सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो बनाने वाला हूँ वीवो फ़ोन में रिमाइंडर कैसे लगाना है, कैसे आप किसी का भी रिमाइंडर लगा सकते हो, जहाँ किसी का जन्मदिन है या आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो उस चीज़ का रिमाइंडर लगाना है। मैं आगे इस वीडियो में बनाने वाला हूँ, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं क्योंकि इस वीडियो का लाइक आए हैं 40 लाइक आपको करवाने हैं, मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको वीवो फोन में कैलेंडर का यहाँ पर साइन होगा तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको नीचे मिलेगा प्लस का साइन तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोल, रिमाइंडर, टास्क, इवेंट। अगर आप यहाँ पर चाहते हो तो आप एक्सरसाइज का आप रिमाइंडर लगाना चाहते हो, मैं डेली इतने बजे एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ पर आपको एक गोल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सरसाइज पर आपको क्लिक करना है, रन करना है या डू योगा करना है या कुछ भी यहाँ पर आप मूवमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, वर्कआउट, रन, वर्क, डू योगा। तो यहाँ पर आप कस्टम भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रन, तो यहाँ पर आप मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको वीक में एक बार करना है या तीन बार करना है या पांच बार करना है या एवरी डे करना है, तो यहाँ से आप आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लो यहाँ पर मैं एवरी डे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको एवरी डे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कितने टाइम करना है, 15 मिनट करना चाहता हूँ, 30 मिनट करना चाहता हूँ या 1 घंटा या 2 घंटे, तो कितने टाइम आप यहाँ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ लेगा मॉर्निंग, आफ्टर या इवनिंग या कोई भी टाइम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मान लो जहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मॉर्निंग पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक का एक साइन बना आएगा तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर एक शेड्यूल यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर रिमाइंडर आपको लग जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर लग चुका है। एडजस्ट का टाइम करना चाहते हो तो यहाँ पर एडजस्ट पर आपको क्लिक करके इसको टाइम भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, कितने बजे आपको स्टार्ट करना है, कितने बजे यहाँ पर बंद करना है। तो यहाँ पर आपको टाइम चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको पेंसिल का साइन बना होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 8 AM, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मान लो मैं 9 बजे यहाँ पर वॉक करना चाहता हूँ, 9 बजे पूरे, ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे 9 बजे के बाद यहाँ पर आपके मतलब आपको एक रिमाइंडर दे देगा, आपको ये करना है सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक 9 बजे डेली आपको यहाँ पर रिमाइंड कर देगा आपका फ़ोन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप चाहते हो यहाँ पर कुछ और मतलब कि टास्क करना चाहते हो, मतलब कि एक्सरसाइज के अलावा का कुछ भी और भी है, यहाँ पर आपको प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिमाइंड पर आपको क्लिक कर देना है, किस चीज़ का यहाँ पर रिमाइंड करना चाहते हो, यहाँ आपका टेस्ट है, यहाँ पर स्टडी करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको कर देना है स्टडी, स्टडी लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको टाइम भी सेलेक्ट कर, तो यहाँ पर आपको पूरा दिन और मतलब पूरा दिन आपको रिमाइंड करता रहेगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर कुछ टाइम ही मुझे रिमाइंड करे तो यहाँ पर आप उसको देना ऑफ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो कितने टाइम मतलब कितने बजे आपको ये रिमाइंड करे, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो 9 बजे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि अगर आप मतलब डेली यहाँ पर आपको रिमाइंड करता रहेगी जी, तो यहाँ पर आपको डज नॉट रिपीट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एवरी डे करना है, एवरी डे कर लो, मतलब वीक में करना है, पूरा मतलब कि पूरे हफ्ते में एक दिन करना है, तो यहाँ पर आपको पूरा मंथ में यह करना है या पूरे एक ईयर में यहाँ पर एक बार करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। एवरी डे करना, तो यहाँ पर एवरी डे पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पर आप अगर आप किसी का बर्थडे यहाँ पर करना चाहते हो, मतलब कि बर्थडे जिसका बर्थडे है यहाँ पर आपको वो करना चाहते हो, यहाँ पर आपको इवेंट पर आपको क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर उसके बंदे का नाम लिख सकते हो जिसका यहाँ पर बर्थडे है। मान लो यहाँ पर मैं राम का मतलब करना चाहता हूँ, राम बर्थडे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बर्थडे लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको डू नॉट रिपीट और को क्लिक करना है, जब उसका दिन आएगा जो दिन आएगा उस दिन यहाँ पर आपको रिमाइंड कर देगा। एवरी यहाँ पर ईयर कर सकते हो, एवरी ईयर पर करोगे तो यहाँ पर आपको ये मतलब कि अगले साल भी यहाँ पर आपको रिमाइंड करता रहेगा, जितने साल आगे आगे आते रहेंगे उतने साल यहाँ पर आपको रिमाइंड करता रहेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आपको उसको टाइम पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप इसको
इसका टाइम भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, कितने बजे आपको रिमाइंड करना है, ठीक है, 12 बजे रात को करना है या कितने बजे करना है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप इसको रिमाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ से लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।